मणिपुर की जो घटना महिला के साथ हुई, कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इशू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया। और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहाँ भी लोगों की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है, लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं वहाँ, चीज़ों को समझते हैं, हालात में, समाज में, वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे हैं क्या हो रहा, पूरा जल रहा है। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, अगर वहाँ बीजेपी पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, कोई और विपक्षी दलों का राज होता और उस राज में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती तो कौन कौन एजेंसियाँ घुस गई होती और जो गोदी मीडिया है क्या क्या बोलने लगती भाई। मणिपुर की घटना को गोदी मीडिया नहीं दिखा रही, विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं उसको लेकर के भ्रामक खबर फैलाई जाती है, झूठी खबरें फैलाई जाती है कि फलना जी नाराज हो गए, चिल्ला जी नाराज हो गए। किस बात की नाराजगी भाई? हम सब लोगों का लक्ष्य ही है कि देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करें। विकास की बातें होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, तो बिना वेरीफाई, बिना कुछ किए हुए कोई कुछ लिख देता, उसी के पीछे सारी खबरें चलने लगती है। सर, प्रधानमंत्री इसलिए कौन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं नहीं, आप बताइए, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? देश का प्रधानमंत्री खामोश है, भारत सरकार चुप है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, राहुल गांधी जी को जाना पड़ता है, क्या इसी दिन के लिए अच्छे दिन आएंगे? देश के अच्छे दिन आएंगे? मणिपुर देश में है कि नहीं है? ये अच्छे दिन है मोदी जी, ये बताना पड़ेगा ना मोदी जी को कि यही अच्छे दिन के लिए उनको वोट दिया गया था। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।